अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे बड़े डॉक्यूमेंट में जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट करते हैं, कम से कम 3 सेक्शंस होते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज सेक्शन 1 होता है, फिर प्रीलिमिनरी ऑफ डॉक्यूमेंट यानी प्री फेस, एग्जीक्यूटिव समरी और टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह हम सेक्शन 2 में देते हैं, और हमारे डॉक्यूमेंट की जो मेन बॉडी है दैट कंस्टिट्यूट सेक्शन 3 ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक मजीद सेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेक्शन इसलिए क्रिएट करते हैं कि इस तरह करने से हम हर सेक्शन की मुख्तलिफ तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ सेक्शन में हम मुख्तलिफ तरह के हेडर और फुटर और मुख्तलिफ फॉर्मेट में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सेक्शन क्रिएट करके हम हर सेक्शन की अलग अलग लेआउट सेट कर सकते हैं। तो हम आइए सीखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शंस किस तरह क्रिएट करेंगे और फिर हर सेक्शन की किस तरह फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये फर्स्ट पेज है। तो फर्स्ट पेज मेरा टाइटल पेज होता है, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टाइटल पेज। ठीक है, आप फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस टाइटल पेज को कंपोज करें। और अब मैं एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट पेज इट इज़ स्पेसिफाइड फॉर द टाइटल पेज ऑफ माई डॉक्यूमेंट। तो मैं सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करूंगा। सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए पेज लेआउट के मेन्यू पर क्लिक करें, पेज ब्रेक का कमांड सेलेक्ट करें और फिर सेक्शन ब्रेक के तहत नेक्स्ट पेज के कमांड पर क्लिक करें। तो आपका पेज ब्रेक भी हो गया और सेक्शन ब्रेक भी हो गया। अब मेरे डॉक्यूमेंट का सेक्शन 2 शुरू हो गया है। तो ये प्रीलिमिनरी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए है। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ प्री फेस, इसको मैं कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन करता हूँ, फिर एक बार इंटर प्रेस करता हूँ, फिर कंट्रोल एल से लिफ्ट अलाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी प्री फेस में 8 पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज मैं 8 पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो मैं हाइपोथेटिकल पैराग्राफ इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू रैंड अंडर ब्रैकेट 8, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये 8 हाइपोथेटिकल पैराग्राफ आ गए। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये खुद कंपोज करके लिखेंगे। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये पेज ब्रेक हो गया, सेक्शन ब्रेक नहीं, पेज ब्रेक, क्योंकि अभी मुझे इस सेक्शन में मज़ीद कुछ काम करना है। ठीक है, तो प्रीफेस के बाद मैं सपोज एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ डॉक्यूमेंट मेरी देता हूँ, मेरी जो पूरी डॉक्यूमेंट है मैं इसकी एग्जीक्यूटिव समरी देता हूँ। कंट्रोल ई से मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ और कंट्रोल ई से फिर लेफ्ट अलाइन करता हूँ। और सपोज मैं एग्जीक्यूटिव समरी में 7 पैराग्राफ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं हाइपोथेटिकल 7 पैराग्राफ इंटर करूँगा, इज इक्वल टू रैंड अंडर ब्रैकेट 7, मैं इंटर प्रेस करूँगा, तो ये 7 हाइपोथेटिकल पैराग्राफ आ गए। अब मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा ताकि पेज ब्रेक हो जाए, सेक्शन ब्रेक नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी इसी सेक्शन में मुझे एक और हेडिंग भी देनी है। तो मैं सपोज यहाँ पे हेडिंग देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, इसको भी मैं सेंटर अलाइन करता हूँ और फिर एक बार इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक दूंगा, क्योंकि बस मैं मुझे मेरे डॉक्यूमेंट के सेक्शन 2 में बस यही कंपोजिंग करनी है, यही हेडिंग्स देने हैं। तो सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए मैं पेज लेआउट के मेन्यू पर क्लिक करूंगा, ब्रेक का कमांड सेलेक्ट करूंगा और सेक्शन ब्रेक के तहत फिर नेक्स्ट पेज के कमांड पर क्लिक करूंगा। तो ये सेक्शन ब्रेक हो गया। अब यहाँ से मेरी डॉक्यूमेंट की मेन बॉडी शुरू होगी, यानी सेक्शन 3 जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट की मेन बॉडी पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट को कंपोज करूंगा, लेकिन ये मेरे पास 3 सेक्शंस क्रिएट हो गए। ठीक है, अब मैं आता हूँ पहले सेक्शन में। अब हम इन तीनों सेक्शंस पर सिर्फ 2 तरह के फॉर्मेट्स अलग अलग करके अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एंड फॉर टाइम सेविंग। अब दूसरे फॉर्मेट्स भी आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 फॉर्मेट्स है, हेडर एंड फुटर और पेज नंबरिंग। ठीक है, तो ये टाइटल पेज है, टाइटल पेज पे मुझे कोई हेडर नहीं चाहिए, इस वजह से मैं इस सेक्शन को स्किप करता हूँ और नेक्स्ट सेक्शन में मूव करता हूँ। तो यहाँ से मेरा दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है मेरे डॉक्यूमेंट का, जिसको मैंने टाइटल दिया था प्रीलिमिनरी ऑफ रिसर्च। तो सपोज मैं यहाँ पे हेडर में प्रीलिमिनरी ऑफ रिसर्च इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, तो ये हेडर फुटर वाला जो एरिया है ये एक्टिव हो गया है। अब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, तो मैं इसको हेडर दे रहा हूँ प्रीलिमिनरी ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन करता हूँ, लेकिन ये बटन आपने देखना है लिंक टू प्रीवियस, अगर ये ऑन है तो आपने इसको ऑफ करना है, क्योंकि मैं इस सेक्शन के जो हेडर है इसको प्रीवियस सेक्शन के हेडर के साथ लिंक नहीं करना चाहता, बल्कि ये इस सेक्शन का जो हेडर है ये मैं बिल्कुल अलग रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी ऑफ है। ठीक है, अगर ऑफ़ नहीं है तो आप इसको ऑफ करें। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ
लास्ट सेक्शन जो कि मेरे मेरी डॉक्यूमेंट की मेन बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं फिर यहाँ पे जो हेडर एंड फुटर एरिया है इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए लिंक टू प्रीवियस का बटन ऑन है, मैं क्लिक करके इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैं इस सेक्शन को अपनी एक अपना एक हेडर देता हूँ और सपोज़ मैं हेडर देता हूँ मेन बॉडी, ठीक है। फिर इसके बाहर मैं एक बार क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से सेक्शन 3 शुरू हो रहा है, इसका हेडर है मेन बॉडी, जबकि ये सेक्शन 2 है तो इसका दे के प्रिलिमिनरी ऑफ डॉक्यूमेंट, इस पे भी दे के प्रिलिमिनरी ऑफ डॉक्यूमेंट और इस पे भी दे के प्रिलिमिनरी ऑफ डॉक्यूमेंट और ये टाइटल पेज जो मेरा है तो इस पर कोई हेडर नहीं आ रहा है। अब सपोज़ मैं पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो बेहतर ये है कि आप बिल्कुल लास्ट सेक्शन से पेज नंबरिंग शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन बॉडी पर आ गया, ठीक है। और मेन बॉडी पर आने के बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और फिर पेज नंबर पर क्लिक करता हूँ कमांड पर, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होती है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट चूज़ करूँगा कि मैं इस सेक्शन के जो पेज नंबर है उसकी फॉर्मेट क्या होगी, तो मैं फॉर्मेट पेज नंबर का कमांड सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसका जो फॉर्मेट रखूँगा इस सेक्शन के पेज नंबर का तो वो 1, 2, 3 इसी तरह डिसिमल में मैं रखूँगा और यहाँ पर स्टार्ट एट 1 मैं करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, ठीक है। अब मैं पेज नंबर इंसर्ट करूंगा, ये तो मैंने फॉर्मेट सेट की, तो इंसर्ट मेन्यू, फिर इंसर्ट मेन्यू के तहत पेज नंबर का कमांड, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होती है और टॉप पे जो चूँकि हमने हेडर दिया है इस वजह से हम पेज नंबर को इंसर्ट करते हैं बॉटम पे, तो बॉटम पे हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये सेंटर में आए, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए फुटर में ये पेज नंबर आ गया और इसको भी मैं यहाँ पे ये लिंक टू प्रीवियस का जो ऑप्शन है इसको मैं डीएक्टिवेट करूँगा, ऑफ करूँगा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये मेरे मेन बॉडी की पेज नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरे सेक्शन में आता हूँ, जो मेरा दूसरा सेक्शन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक डिफरेंट पेज नंबर के फॉर्मेट सेट करता हूँ, मैं इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करूँगा, पेज नंबर के कमांड पर क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पेज नंबर के कमांड को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं रोमन 1, 2, 3 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज़ मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और ये भी स्टार्ट एट 1 हो, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ और ओके करने के बाद अब मैं इंसर्ट मेन्यू, पेज नंबर और फिर इसका भी मैं बॉटम, मैं चाहता हूँ कि ये पेज के बॉटम में सेंटर अलाइन ये पेज नंबरिंग को, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसको देखते हैं, ये भी अगर लिंक टू प्रीवियस है तो इसको हम इसको कमांड को डिसफंक्शनल कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब आप देखें अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन करता हूँ और ये देखता हूँ कि क्या पेज नंबरिंग और बाकी फॉर्मेट्स ठीक अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं टाइटल पेज पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे फुटर में टाइटल पेज पर भी पेज नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट करूँगा। अब मैं फुटर के बाहर पेज पर डबल क्लिक करता हूँ, अब मेरा डॉक्यूमेंट एक्टिव हो गया है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ कि बाकी सेक्शन पर जो पेज नंबरिंग हुई है वो ठीक है या नहीं, तो यहाँ से मेरा दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है, ये मेरे दूसरे सेक्शन का फर्स्ट पेज है, ठीक है। इसके लिए मैंने रोमन फॉर्मेट्स के पेज नंबरिंग सेट की थी, तो ये देखिए पहले पेज पर 1 रिफ्लेक्ट हो रहा है रोमन में, दूसरे पेज पर 2 रिफ्लेक्ट हो रहा है रोमन में और तीसरे पेज पर 3 रिफ्लेक्ट हो रहा है रोमन में। अब यहाँ से मेरे जो मेरा जो डॉक्यूमेंट है इसकी मेन बॉडी शुरू हो रही है यानी सेक्शन 3 और इसके लिए मैंने फॉर्मेट रखा था डिसिमल फिगर 1 और 1 से मतलब शुरू हो, तो ये देखिए ये 1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे एक और पेज इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंटर में प्रेस करता हूँ ताकि दूसरा पेज क्रिएट हो जाए, तो ये देखिए दूसरे पेज पर अभी 2 रिफ्लेक्ट हो रहा है डिसिमल फिगर में। अगर मैं एक बार फिर कंट्रोल प्रेस एंटर प्रेस करता हूँ तो नया पेज इंसर्ट हो गया और अब देखो इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 3 डिसिमल फिगर में। तो इसी तरह मतलब ये कि हम सेक्शन ब्रेक के थ्रू फिर मुख्तलिफ सेक्शंस के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।